बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फारूक। एक अहम खबर शामिल करते हैं दौलत नगर से। हमारे ज़राए के मुताबिक दौलत नगर में मेन रोड पर मौत के परवाने जारी करने वाला ठेकेदार अर्बन एरिया में खुदाई करके फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक दौलत नगर मेन रोड हाई स्कूल के नज़दीक खुदाई का काम जारी था, जहाँ हुकूमती तरक्याती काम मकसूद था, अवाम उन्नास की फलाह बहबूद के लिए काम होना था, मगर ठेकेदार काम को अधूरा छोड़कर फरार हो गया और रिहायशी इलाका के बासियों के लिए हर वक्त की लटकती तलवार छोड़ गया। सड़क के अतराफ में गहरी खाइयां मौजूद हैं और हर वक्त खतरा मंडलाता रहता है, कोई बच्चा इसमें गिर न जाए। लोगों के घरों के बिल्कुल सामने खुदाई का काम गुज़श्ता 8 माह से बंद है और लोगों को परेशान हाल किए हुए है। अहले इलाका ने डीसी गुजरात से मुतालबा किया है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, इस अधूरे काम को मुकम्मल किया जाए या इन खुदाइयों को बंद करवाया जाए और फरार होने वाले ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि अहले इलाका सूखा सांस ले सकें और अपने बूढ़ों और बच्चों को महफूज रख सकें।